few deers. Very beautiful. Mushrooms भी हैं यहाँ पर. And what are these red berries? Approach करेंगे देखने के बाद जानवरों को तो आपको $25,000 फाइन होगा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी तो सुबह हो गई है और ये सामने है आपका सनराइज. सो राइट इज इट सनराइज राइट. अभी हम टाउन में हैं, कुछ नाश्ता वगैरह लिए और अब जाते हैं आगे. ये देखिए डियर्स. Sulfur right in front of us. Sulfur. Cascade Gardens. Cascade Gardens. These are Cascade Gardens. Cascade Gardens right here. Where are the Cascade Gardens? Where are the Cascade Gardens? That building right there. Oh, सामने Cascade Gardens है. विंटर सीज़न आ रहा है, उसकी निशानी है कि ये जो दरिया का पानी है वो नीचे जा रहा है. तो मैंने ले ली है जैकेट और मुझे जो है प्रॉब्लम थी ठंड बहुत ज़्यादा है और मैं जैकेट लेके नहीं आया था, तो अभी मैंने ले लिया जैकेट. सो द रंडल वुड द रंडल इज़ ऑन ईस्ट एंड द सन वुड राइज फ्रॉम द ईस्ट एज वेल राइट. Rise here. Okay. Okay, so जो है सन है ये जिस माउंटेन पे हम जा रहे हैं वो है ईस्ट पे. सूरज भी वहाँ से निकलता है, ठंड बहुत लग रही है इसलिए बोल रहे हैं कब सूरज निकलेगा. तो उसके बाद फिर यहाँ से सूरज की जगह निकलता है और सल्फर माउंटेन जो यहाँ पर है इसको उस जगह पर रूप होता है. ओके, तो यहाँ पर आपको सनसेट जो सा है वो खूबसूरत नज़र आता है सल्फर से और जो रंडल माउंटेन है वहाँ से सनसेट. सो सनसेट यू वुड हैव अ ब्यूटीफुल सनसेट. ओके, आई हैव लॉट्स ऑफ पिक्चर्स. ओके, ठंड बहुत है भाई. तो अभी हम यहाँ का जो सा ट्रेल है वो गोल्फ कोर्स से होता हो जाएगा और हम इस टाइम पे यहाँ से जहाँ से घोड़े गुजरते हैं हॉर्स वे तो उधर से जा रहे हैं गोल्फ कोर्स तक. फिर उसके बाद फिर हम अपनी हाइक शुरू करेंगे. शुरू हो गया है और 2 डिग्री था. अभी पता नहीं कितना होगा, हाथ जम रहे हैं और कॉफी वगैरह जो है पिए ताकि थोड़ा बहुत. हम एक्चुअली यहाँ पर एक दूसरी जगह से भी आ सकते थे जहाँ पर मैं आपको पहले लेके गया था. स्नो के अंदर यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पर आपका बो रिवर फॉल व्यू पॉइंट है. यहाँ पर ये देखिए सामने ये है, दिस इज बो रिवर राइट. बो फॉल्स इज ऑन बैक. सो बो फॉल्स यहाँ से ये रिवर गिरता है. ये देखें आप इस सामने आपको नजर आएगा. वाओ, ये देखिए. Very beautiful. ये देखिए beautiful.
सूरज निकल आया है, लेकिन दिस इज कैंपिंग ग्राउंड्स और व्हाट? व्हाट आर दीज ऑन योर राइट? ओह सो दिस इज द गोल्फ कोर्स हियर, सो वी हैव टू गो फ्रॉम हियर. ओके ये गोल्फ कोर्स. या या तो ये है आपका गोल्फ कोर्स. Migratory animals and hunting can go in peace without human activity. Uh-huh. But I went there anyways, and I'm surprised Mother Nature didn't just take course right there and be like, take that. Oh, okay. So these are rafting. Yeah, these two are rafting. So yeah, on the left side we have the rafting tours here, right side the golf course here. These ones are just like luxury ones. They're not like water. These electric ones? Yeah, they're just like luxury. Okay. How much is that? $20? I'm not sure. They have a price for it down there. Yeah? Yeah. Okay. Oh, there are some trip buses here too. Float trip. So, we have reached the trail. This is the trail. Okay, perfect. Mount Rondo. अब यहाँ से हमें जाना है ऊपर. ये ट्रेल है और इसकी एलिवेशन, how much is the elevation? 1600 meters we're going to be going up, okay. But it's 29,000 meters all the way up. So 29,000 meters total, coming, going and coming back, right? Yeah. Okay. 29,000 meters हम चढ़ेंगे और नीचे आएंगे. तो इधर कुछ रखे हुए हैं आपने प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क, जिसमें आपको जो है ना ये चीज़ें रखनी है, गार्बेज वो करना है, बियर स्प्रे अपने साथ रखनी है, कुत्तों को छोड़ना नहीं है. कुत्तों ने अगर कुछ कर दिया तो फिर उसको साथ भी आप नहीं करना है. तो प्लास्टिक नहीं फेंकने यहाँ पर, क्योंकि जानवर खाते हैं और यहाँ पर जानवरों के राइट समझे जाते हैं. सो द एलिवेशन गेन वुड बी 1700 मीटर्स. Oh, sorry, I'm going the wrong way. गलत से भी जा रहा था यहाँ पर. यहाँ से जो है रास्ता आ जाता है रंडल रिवर साइड पे. तो आपको दिखाएंगे वो रिवर साइड है क्या, लेकिन ये है आपका. यहाँ पर ड्रोन अलाउ नहीं है, अदरवाइज मैं आपको ड्रोन पे दिखा दे. ये है सारा आपका मैप रंडल का, और सॉरी मैप नेशनल पार्क का. तो हम यहाँ पर हैं.